वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 दे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हाँ प्रोग्राम सचो सच विच। रोजाना की तरह तुहाडे ते साडे हरमन प्यारे डॉक्टर अमरजीत सिंह मेरे नाल बैठे हुए हैं। आओ उन्होंने मिल के प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, अज 15 सितंबर 2014 तीह भादो नानकशाही संबत 546 का दिन है, तो हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज दे किसी अहम मुद्दे नाल। की है अज दा? सब तो पहला तो मैं सिख स्टूडेंट फैडरेशन जिहड़ी लगभग 70 साल पहला होन दे विच आई, उहदा 70वां स्थापना दिवस है जी 15 सितंबर नूं। से असी इस विद्यार्थी जथेबंदी जिसकी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है, बेशक अज जिस तरीके नाल 4 अड्ड धड़े इस जथेबंदी दे बन गए और बहुत सारे जड़े ने वो तो सिर्फ अखबारी बयानबाजी तक ही सीमित ने, और जड़े इस जथेबंदी दे नाल जिन्होंने लगातारता नाल सफ़र किया, इसका पिछोकड़ की सी, किवें होंद विच आई, धर्म दे खेतर च किन्ना वड्डा काम किया और साढ़े खालिस्तान दे संघर्ष विच किन्नी वड्डी कुरबानी फैडरेशन दी है, इस दे लई इक अद्धी अखबार नूं छड्ड के किते कोई एक कॉलम भी किसी ने नहीं लिखिया, ये अपने आप दे विच इस गल दा सबूत है कि कई बार पूरी क्रांति दी भावना नाल शुरू हुई जथेबंदियां, तनजीमां, मूवमेंट्स जदों वक्तन उन्हां दा वक्त हुंदा उदों उन्हां दे द्वारे सब कुछ घूम रहा हुंदा, पर जदों दूसरियां ताकतां टेक ओवर कर लैंदियां ने सो इस गल नूं भी वो फिर यकीनी बनाउंदियां ने भी उन्हां दी ईवन जिहड़ी ग्लोरियस हिस्टरी है उन्हों भी डंप कर दिता जाए, उसका जिक्र भी ना होए ताकि उन्हां दे मिथे निशानियां वल सानू मूँह ना करना पे। यही हाल अज अकाली दल ने किया कि उन्होंने किस तरीके दे नाल सिख स्टूडेंट फैडरेशन का खात्मा करके यूथ अकाली दल और फिर एक ड्रगियां दी जथेबंदी स्टूडेंट फैडरेशन के नाँ थले जिदे चो सिख शब्द ही गायब कर दिता वो बनाई। पर मैं इन ब्रीफ ये सिख स्टूडेंट फैडरेशन की हिस्टरी और इसकी कंट्रीब्यूशन जिहड़ी है उस बारे जरूर गल करनी चाहवांगा। 13 सितंबर 1944 लाहौर दे विच इस जथेबंदी की स्थापना हुई। मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह ये फाउंडिंग स्पिरिट सन इस दे पिछे। और उदा रीज़न, क्योंकि बहुत बार असी जो दुनिया दे विच तब्दीली दे हवाले नाल देखते हैं तो रेवोल्यूशन जां क्रांति यंगर जनरेशन ले आंदी है, नवे आइडियाज़ हुंदे ने। जदों असी 40 सालां दा जां 50 सालां दा बैरियर क्रॉस करते हैं फिर बहुत सारा असी एनालाइज तां करदे हैं सिचुएशन नूं, सलाह भी दे सकते हैं, पर जिहड़ी एक नैसेसरी ड्राइव, एग्रैशन और एक पूरी ताकत दे नाल अपने निशाने वल वधन दी भावना हुंदी है वो गायब हो जाती। सो ये पीरियड से 1940 का जदों के जे असी ईवन इस तो भी थोड़ा पिछोकड़ च जा के देखिए, और जिहड़ी गल हमेशा ही मैं समझदा भी सर कपूर सिंह होरां ने भी साची साकी जिक्र किया, होर भी सोचवान इस वल ध्यान दिंदे ने कि पाकिस्तान का थॉट या पाकिस्तान की बणतर या पाकिस्तान का संकल्प इस दे लई जिहड़ा थिंक टैंक किया जाए जा आधार किया जाए जा सीड किया जाए तो वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सी जी। इस तरह जे हिंदू थॉट अज भी जे हुण मोदी बनारस तो जित के आया है उन्होंने बुलेट सिटी जिहड़ा है वह बनाण दे थले स्पैशल सिटी किस तरीके दे नाल फंड्स रखे ने, तो जे असी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन देखिए हिंदू थॉट दे वल किवें मदन मोहन मालविया के जमाने च बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होंद और हिंदुत्वा दे थॉट नूं किवें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट किया और अज तक भी कर रहे हैं, ये भी एक दूसरी गल है। सो ये अपॉर्चुनिटी सिखां दे कोल भी आई 1892-93 दे विच खालसा कॉलेज स्थापित होया और खालसा कॉलेज अमृतसर जिसका बड़ा ब्यूटीफुल डिजाइन उदे अंग्रेज प्रिंसीपल लंबा वक्त, और जदों तक असी देखते हैं कि 20वीं सदी की बिगनिंग दे विच अंग्रेज़ प्रिंसीपल और जिहड़ा ब्रिटिश प्रिंस सी वह खालसा कॉलेज के दौरे पर जिहड़ा आ रहा सी और उदों ये फैसला होया सी कि वो डिसाइड करेगा
कि खालसा कॉलेज अमृतसर नूं एक यूनिवर्सिटी ऐलानने जी हुण उदों प्रिंसिपल निरंजन सिंह मास्टर तारा सिंह दे दा भरा जिहड़ा कि पक्का खद्दरधारी गांधीवादी कम्युनिस्ट जिहड़ा कांग्रसी सी और उस वेले दे प्रोफेसर जिन्हां नूं गांधीवाद की पाह चढ़ी हुई सी उन्होंने अपने नाल उस किस्म के विद्यार्थी भी लाए उन्होंने ऐलान कर दिता कि जी जे प्रिंस इत्थे साडे वड़ेगा खालसा कॉलेज असी जिहड़ा वो प्रोटेस्ट करांगे उन्हूं वड़न नहीं देंगे उन्हूं बोलन नहीं देंगे सो वो गल ही मुक गई ना उन्हें अपनी विजिट अमृतसर की कैंसल कर दिती विजिट भी कैंसल कर दिती नाल ही जे जिहड़ा खालसा कॉलेज नूं यूनिवर्सिटी बनाउण दा ऐलान करना सी वो भी जांदा लगा हुण जे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुत्वा दा थॉट इस्लामिक थॉट लई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जे 1920 जिहड़ी है खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी होण चाही हुंदी ते अज जिहड़ा असीं लमेंट करदे हां कि जी 1947 च अंग्रेज़ जिहड़े ने वो उन्होंने जाना सी और सिख लीडरशिप किवें कांग्रेस दे हत्थां 'च चढ़ी जे साडे कोल इक यूनिवर्सिटी हुंदी साडे थिंक टैंक मुढ़ली मुढ़ला चिंतन हुंदा ते असीं एक तीसरी धिर दे तौर ते उस केक चों जिहड़ा कि पावर दा अंग्रेज़ां ने बाद दे विच डिवाइड करना सी जाण तों बाद उस दे विच साडा भी हिस्सा हुंदा सो इस लई असीं उस तों थोड़े इस दे उल्ट उन्हां दिनां दे विच ही मदन मोहन मालवीय जिन्हें संत अत्तर सिंह मस्तुआणे वालियां तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे एक ब्लॉक दा नींह पत्थर भी रखवाया सी जिन्हें दुर्गियाणा मंदिर बनाउण दे लई हरिमंदर साहब दी तर्ज ते जिहड़े ने वो हिंदू व्यापारियों तो और आप भी अमीर आदमी सी पैसे भी इकट्ठे किए उन्हें अमृतसर आने का खालसा कॉलेज उन्हों सद लिया गया उन्हों प्रिंस नू पासे करता मदन मोहन मालवीय जो तो मदन मोहन मालवीय अमृतसर स्टेशन ते आया तो अगों बड़ा सजया होया घोड़ा और टांगे तो उन्होंने बिठा के लियाण दा सी जलूस की शक्ल पर किस कदर जनून सी जिहड़ा ये हिंदू राष्ट्रवाद दा सिख विद्यार्थियों प्रोफेसर के लंबे लंबे छे छे फुटे सिख विद्यार्थी उन्होंने घोड़े नूं पासे कर दिता उन्होंने कहा जी नहीं ये साडे बड़े अजीम लीडर ने असी घोड़े बन के जिहड़े आ इन्हां नूं लै के जावांगे खालसा कॉलेज तक और ये ऑन रैकर्ड है कि वो अमृतसर रेलवे स्टेशन तो खालसा कॉलेज तक छे छे फुटे सिख जिहड़े नौजवान ने वो जिहड़े ने उन्हूं धू के जिहड़े ने उस टांगे नूं खालसा कॉलेज तक लै के गए हुण ये जिहड़ी घाट सी क्योंकि साढ़े कोई थिंकिंग प्लेस नहीं सी कॉलेज कॉलेज ही रहा अंग्रेज़ भी बदजन हुए सिखा तो जी। और इधर 23 मार्च 1940 लाहौर दे विच पाकिस्तान दा रेजोल्यूशन जिहड़ा वो पास होया सो जाहिर है कायदे आजम और उस तो पहला सर मुहम्मद इकबाल 1930 उन्होंने पूरा फिक्र किया कि भाई किवें जे अंग्रेज़ा ने जाने तो अल्टीमेटली सानू किवें हिंदू बहुगिणती खाएगी उन्होंने लिए ठीक सी लेकिन उदा मुकाबला करन दे लई सिखां दे कोल कुछ नहीं सी कि भी साडा कित्थे की है सो मैं समझदा भी सिख स्टूडेंट फैडरेशन का जिहड़ा 1944 होण च आणा इस गल वल इशारा सी जां इस गल वल एक पेशकदमी सी कि साडा कुछ ना कुछ थिंक टैंक बने सर सरूप सिंह उहदे पहले प्रेजिडेंट बने और जे असीं इन्हां दा 1944 तों 47 तक दा पीरियड भी देखिए तो मैं समझदा हाँ भी अजय और सर कपूर सिंह और ने साची साखी मैनशन भी किया कि किवें एक स्टेज पर यह सोचवान नौजवान सन इन्होंने लाहौर दे विच जिहड़ी है कायदे आजम और मास्टर तारा सिंह की मीटिंग भी रखी क्योंकि ये समझते सी कि मास्टर तारा सिंह हिंदुत्वियां वाल गांधी नहरू वाल झुक रहा है ये नुकसान होएगा सानू अपना बैलेंस करन दी लोड़ है और सर कपूर सिंह ने साची साखी लिखा कि किवें मीटिंग तो ठीक घंटा पहले क्यों मास्टर तारा सिंह पहला आ गया फिर वो पिछले दरवाजे थानी चले गए कायदे आजम उत्थे आए अपने टाइम थे पर मास्टर तारा सिंह जा चुके और मास्टर तारा सिंह सर कपूर सिंह क्या मैं कन्फ्रंट किया एक बार क्या जी तुम ये की करतूत की तो उन्होंने कहा जी मैं साहबजादियों के कातल नाल कातलों नाल किवें मिल सकदा तो सर कपूर सिंह कहते हैं कि जिन्हां दे साहबजादे मारे से उन्होंने तो बहादुर शाह के नाल नैगोशिएशन की औरंगजेब के नाल भी उन्होंने कम्युनिकेशन ओपन की थी सो जाहिर है कि फैडरेशन की बिगनिंग भी अच्छे माहौल च हुई पर फैडरेशन कोई उस कदर अपना प्रभाव नहीं पा सकी 47 के दौर च भी और उन्होंने जिवें सर कपूर सिंह ने लिखा भी उन्होंने ईवन फैडरेशन के अंदरूनी हल्कों ने मास्टर तारा सिंह की अल जी है वह हिंदू पुत्र वाली पाई हुई सी फिर असी 47 तो बाद देखते हैं सरकमस्टांसिस बदले अकाली दल मास्टर तारा सिंह ने 47 तो बाद पंजाबी सूबे का मोर्चा दूसरे पासे गल शुरू कर ली
हुण उस पीरियड दे विच सिख स्टूडेंट फैडरेशन ने धर्म प्रचार दे खेतर दे विच बहुत योगदान पाए जी। इन्हां ने क्योंकि स्कूलों कॉलेजों दे विच ब्रांचेस सी, खालसा कॉलेजों स्कूलों खासकर सालाना कैंप लगते सी, गुरमत कैंप, सिक्खी अमृत संचार, गुरमत दी गल, सो इस सारे माहौल नूं उन्होंने सिरजिया। लेकिन 70वें तक पहुँचदे हैं इस सारे का काम बहुत थले चला गया सी। 60वें दे विच जिहड़ियां ने स्टूडेंट जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्टां दियां, पंजाब स्टूडेंट यूनियन आ गई, ये खब्बे पक्खी CPIM वालियां दा दी जथेबंदी सी, SFII स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये सज्जू कम्युनिस्टां दी सी, कांग्रेसियां दी कोई बहुती पुछगिछ नहीं सी जी। RSS वालियां दी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सी उदों भी, वो DAV कॉलेजां स्कूलां सी, पर सिख विद्यार्थियों दे विच जिहड़ा हौली हौली सिख स्टूडेंट फैडरेशन का प्रभाव घटता चला गया और सिखा दे मुंडे पंजाब दे विच PSU SFI क्योंकि वो मोर रेवोल्यूशनरी उन्होंने आवाज़ भी दिती, उन्होंने नारे अज भी दोहराए जाते हैं, साडे हक इत्थे रख इदा दे, जिहड़ी गल ईजी समझ आने वाली सी, कोई बसां दे किरायां दी गल, कोई दूजे, सो ये सारे दे थले फैडरेशन जिहड़ी है वो आलमोस्ट फिर यही हो गया कि चंडीगढ़ के किसी छोटे जे कमरे च होस्टल दे जां होटल दे पांच दस बैठते सी, आपे एक प्रधान बन जाता सी, सैकटरी बन जाता सी, साल दो साल बाद वो गल मुक जाती सी। फिर 1970वें दे अखीर च 13 अप्रैल 1978 दे जिहड़ा विसाखी, खूनी विसाखी तो बाद संत भिंडरांवाले जिहड़े ने सीन दे उत्ते उभरे, और फिर 1980वें दे विच संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालिया ने इस फैडरेशन दे विच एक नवीं जान भरी। भाई अमरीक सिंह जिहड़े खालसा कॉलेज अमृतसर दे विद्यार्थी सी उस दे प्रेजिडेंट बने, हरमिंदर सिंह संधू सैकटरी बने, और फिर एक बार फिर सारे पंजाब दे विच 1984 तक असी पहुँचते हैं, देखते हैं कि सिख स्टूडेंट फैडरेशन एक बहुत जथेबंधक तौर पर धार्मिक कैंप भी उन्होंने लाए, पौंटा साहब भी लाया, पुंछ कश्मीर दे विच भी लाए, बहुत सारे नौजवान स्कूलों कॉलेजों के अमृतधारी होकर फैडरेशन का हिस्सा बने, और फिर इधर कौमी आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ। और ये मैं समझदा हाँ भी क्रैडिट जाता है कि 1984 के पहले हफ्ते जिसमें जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले और जनरल सुबेग सिंह उन्होंने शहीदी जाम पीते, तो सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रेजिडेंट शहीद भाई अमरीक सिंह उन्होंने भी फैडरेशन एक शहीदा की जथेबंदी का रुतबा दवाया। उस तो बाद 1994-95 तक सिख स्टूडेंट फैडरेशन का खालिस्तान के संघर्ष बहुत वड्डा रोल है, और असी देखते हैं कि किस तरीके दे नाल इस दे कई प्रेजिडेंट जिन्हां दे विच ईवन भाई गुरजीत सिंह भी शहीद होए, किन्ने एक्टिविस्ट और जिहड़ी चार जुझारू जथेबंदियां सी उन्हां दे विच सिख स्टूडेंट फैडरेशन भी जिहड़ी है एक प्रमुख उन्हां चारां दे विच सी, उन्होंने खालिस्तान के संघर्ष लई बहुत कुरबानियां कीतियां। 95 तो बाद इस नूं ऑर्गेनाइज़ करन दा यतन तां कीता गया पंथक हलकियां वल्लों जां जुझारू जथेबंदियां दे जिहड़े रियल रिप्रेजेंटेटिव सन जो बच गए, लेकिन इहदे बावजूद समहाउ सरकार दा जबर इन्ना ज़्यादा सी और जिहड़ियां ये फ्रॉड मैते चावले ये वो ये खड़े कर दते, पर इन्हां नूं भी वक्ती तौर ते बादल टब्बर ने वरत्या। लेकिन अज हाल ये है कि भी ये सारे जड़े ने वो माइनस कर दते गए ने, उन्हां दी कोई होंद नहीं है, और जिहड़ी ये लैगेसी सी सिख स्टूडेंट फैडरेशन दी 47 तो पहला 44 तो 47 तक कि अपने आज़ाद देश के लिए उन्हों की एक सोच सी जिन्हों अकाली दल ने बाय नहीं किया, 84 तो 95 तक फिर जिमें इस शहीदों की जथेबंदी ने कुरबानियां दती हैं उसनों भी टोटली जड़ा वो बिल्कुल इग्नोर कर दिता गया, और हूँ आलमोस्ट इस दी जड़ी रहिंद खूंद जिहड़े 50वें टप्पे हुए ने ये सारे ये जड़े ने इन्हां नूं चंगी तरह वरत के इन्हां दी भुख नूं जड़ा वो मिटा के, क्योंकि सब भुखे सी बच गए, तो इन्हां नूं जिहड़ा उन्होंने बिल्कुल डंप कर दिता है। सो असी इस अज दे इस प्रोग्राम नूं सिख स्टूडेंट फैडरेशन की 70वीं स्थापना दिवस की याद नूं समर्पित करदे हां जी, और उन्हां दी कुरबानी नूं सिजदा करदे हां जिन्हां ने सारे दौर दे विच धार्मिक खेतर दे विच कौमी घर खालिस्तान की प्राप्ति लई जिहड़ा है वह कुरबानियां कीतियां ने, और असी समझते हैं कि जदों भी ये ठीक है कई बार विच गैप भी आ जाते हैं जिहड़ा इस वेले का पार्ट है, पर अज भी ये सिख स्टूडेंट फैडरेशन का ये फखरयोग इतिहास जिहड़ा है ये आवाज़ा मार रहा है उत्थों दे यंग यूथ नूं, यंगस्टर जनरेशन नूं कि वो इस सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नाँ नूं, क्योंकि जदों ये शुरुआत हुई इहदा नाँ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन सी,
पर फिर जुझारू दौर दे 84 तो बाद उन्होंने कहा जी कि असी इंडिया नालों हुण संबंध तोड़ ले ने, हुण इनू असी ऑल इंडिया नहीं कहांगे, असी इनू सिख स्टूडेंट फैडरेशन कहांगे। सो उन्होंने सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे थले जिहड़ा फिर ऑपरेट किया। सो मैं समझदा हां भी इन्हां इस जथेबंदी दे जिहड़े जरनैलां दे कारनामे इंस्पीरेशन ने, उन्हां दे जिहड़े झंडे ने अज भी इह ढीकदे ने कि किहड़े जिहड़े नौजवान आने वाले पीरियड दे विच उहदे झंडा बरदार बनणगे और धार्मिक खेतर दे विच और कौमी घर बनाउण खालिस्तान दे संघर्ष दे विच पेशकदमी करनगे। जी डॉक्टर साहब, इस तरह ब्रेक व्यूअर्स तुसीं कितनी जाना, मिलदे हां कमर्शियल ब्रेक तो बाद।